नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है नवरात्रा का छठा दिन, मां कात्यायनी की होगी पूजा, जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। शिक्षकों के लिए जारी हुई नई तबादला पदस्थापना नीति, महिला, दिव्यांग, बीमार और विधवाओं को मिलेगी प्राथमिकता। एक स्कूल में 5 साल से अधिक नहीं टिक पाएंगे शिक्षक। पर्यटन विभाग रील मेकिंग प्रतियोगिता का कर रहा आयोजन। जाने प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता, प्रथम आने वाले को 1,00,000 रुपए का मिलेगा इनाम। बीपीएससी 17वीं परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव, 13-14 दिसंबर को परीक्षा संभावित, बाढ़ और अन्य कारणों से बदली परीक्षा की तारीख। प्रदेश की नई नदियों के जलस्तर में आई कमी, कम हुआ बाढ़ का खतरा। कोसी हुई शांत, लेकिन कुछ नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे करें फोन की खरीदारी, जाने ऑफलाइन ऑनलाइन फोन के फायदे और नुकसान। ऑनलाइन फोन के लिए तकनीकी समझ का होना जरूरी। सीएसके ने रिटेंशन पर चर्चा करने की पुष्टि की, अक्टूबर में हो सकती है धोनी और सीएसके की बैठक। अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटर्न हो सकते हैं धोनी। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोंकण रेलवे में इंजीनियर, तकनीशियन और स्टेशन मास्टर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट konkanrailway.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं SSLC ITI संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा आदि से ग्रेजुएशन किया हो। पद के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के रूप में 850 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि आरक्षित लोगों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नई तबादला और पदस्थापना नीति जारी की गई है। इस नीति के तहत महिला, विधवा, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को ट्रांसफर में प्राथमिकताएं दी जाएंगी। पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें अधिकतम 10 विकल्प दिए जाएंगे। हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफर अनिवार्य होगा, ताकि कोई शिक्षक एक ही स्कूल में 5 साल से अधिक ना रहे। जिन शिक्षिकाओं के पति सरकारी कर्मचारी, उनका ट्रांसफर पति के पोस्टिंग वाले जिले में किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC से चयनित सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। साथ ही सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों पर भी ये नीति लागू होगी। यदि किसी शिक्षक ने ट्रांसफर का विकल्प नहीं दिया है तो वे अपने स्कूल में बने रहेंगे। आज नवरात्रा का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। बाजारों में नवरात्र को लेकर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई के विजय की सीख देता है। माँ दुर्गा हमारे जीवन में साहस, धैर्य और शक्ति के महत्व को दर्शाती है। पर्यटन विभाग रील मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को 1,00,000 रुपए तक की इनाम राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जरूरी है कि आप भारतीय नागरिक हो और आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो। साथ ही सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब पर 50,000 फॉलोवर हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी तरह का भड़काव या आपत्तिजनक कंटेंट आपने पोस्ट ना किया हो। प्रतिभागी बिहार के आध्यात्मिक या धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, धरोहर और ऐतिहासिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, बिहार के व्यंजन और कला संस्कृति, इनमें से किसी एक में भाग ले सकते हैं। एक श्रेणी में अधिकतम 3 वीडियो जमा करने होंगे। ध्यान रखें आपका रील्स बिहार से संबंधित हो। इसके अलावा वीडियो बनाने के दौरान सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना जरूरी है। इसमें प्रथम आने वाले को 1,00,000 रुपए, दूसरे स्थान पर 50,000 रुपए और तीसरे नंबर के प्रतिभागी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संदली सिन्हा के बारे में। इनका जन्म 11 जनवरी वर्ष 1973 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल रह चुकी हैं। ये प्रसिद्ध रोमांटिक मूवी तुम बिन में पिया का भूमिका में नजर आ चुकी हैं। ये फिल्म वर्ष 2001 में रिलीज की गई थी। संदली अब तुम्हारे हवाले, वतन, साथियों में डॉक्टर साक्षी, तुम बिन 2 में पिया, पिंजरे में लाजो की भूमिका में भी नजर आ चुकी हैं।
प्रदेश में कई दिनों से बाढ़ को लेकर तबाही देखने को मिल रही थी, लेकिन अब प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में कमी आई है, जिसमें कोसी कमला शामिल है। हालांकि बागमती और अधवारा समूह की नदियों में अभी भी उफान बना हुआ है। आपको बता दें कि रविवार की शाम 5 बजे तक गंडक बैराज से करीब 82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं प्रदेश के कई जिलों में बड़ी आबादी बांध पर है, इसमें दरभंगा, शिवहर और मुजफ्फरपुर जैसे जिले शामिल है। सभी उत्तर बिहार के ही जिले हैं और उत्तर बिहार में ही सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा हर साल बना रहता है। बिहार खेल अकेडमी में 25 विभिन्न खेलों के लिए 103 खेल प्रशिक्षकों के नियुक्ति की घोषणा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा की गई है। आपको बता दें कि 200 पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। नियुक्ति की घोषणा के साथ ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3 अक्टूबर से शुरू हुए आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवम्बर है। इसमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, भारतोलन, बाजी, शूटिंग, स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य कई खेलों को शामिल किया गया है। 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षकों का मूल्यांकन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की तरफ से गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा, फिर सेवा विस्तार पर विचार होगा। इस संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार खेल अकेडमी के महानिदेशक ने कहा है कि ये पहल राज्य के खेल विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे बिहार के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल सकेगा। इस वक्त बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बीपीएससी 70वीं परीक्षा की तारीख में आयोग ने बदलाव कर दिए हैं। अब ये परीक्षा संभवतः 13-14 दिसंबर को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में लेटर भी जारी किया गया है। ये लेटर सभी जिलों के डीएम को भेजा गया है। लेटर के मुताबिक 18 नवम्बर तक परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बीपीएससी के परीक्षा में बदलाव बाढ़ और अन्य कुछ कारणों से किए गए हैं। आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जरूरतों में से एक बन चुका है। नया मोबाइल खरीदते समय कई बातों का हमें ध्यान भी रखना जरूरी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन फोन खरीदने के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऑनलाइन खरीदारी में आपको विभिन्न विकल्प मिलते हैं, साथ ही बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी अधिक होते हैं। यहाँ यूजर रिव्यू पढ़कर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन स्कैम का खतरा भी बना होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी रूप से ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं। वहीं ऑफलाइन खरीदने पर आप डिवाइस को खुद देख सकते हैं, उसकी पोर्टेबिलिटी और कैमरा क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसलिए यदि आप फिजिकली जांच करना चाहते हैं तो ऑफलाइन खरीदारी बेहतर होती है। अंततः आपको उस जगह से खरीदारी करनी चाहिए जहां आपको अधिकतम लाभ मिले। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि नई आईटी पॉलिसी के बाद बिहार में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ वर्षों में देश और विदेश की कंपनियां यहां निवेश करेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने नैसकॉम के साथ हुए समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इससे आईटी क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। लगभग 99% ग्रामीण इलाकों में लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देता है। सचिव अभय कुमार ने कहा कि इस समझौते से बिहार की आईटी नीतियों में देश भर में फैलाने में मदद मिलेगी। 10 से अधिक आईटी कंपनियों ने यहाँ निवेश में रुचि दिखाई है और 450 करोड़ रुपए के निवेश से आधुनिक आईटी संरचना विकसित करने की योजना है। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। भीड़ भाड़ को देखकर शहर की कई सड़कों पर वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं कई वाहनों पर बड़े वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर एडवाइजरी जारी कर दिए हैं। तो यदि आप इस दुर्गा पूजा राजधानी पटना रहे हैं या यहीं के निवासी हैं तो इसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 9 से 11 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा को लेकर ये एडवाइजरी जारी रखी जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक पटना में इस साल 389 बड़े पूजा पंडाल होंगे, तो वहीं छोटे पूजा पंडालों की संख्या 1000 से भी अधिक है। आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की तरफ जाने वाले वाहन 9 से 11 अक्टूबर तक नहीं जाएंगे। वहीं भारी वाहन जैसे बस और ट्रक इन 3 दिनों तक दीदारगंज की तरफ से पटना शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 12 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान भी कई जगहों पर मार्ग परिवर्तित रहेंगे। इसके अलावा डाक बंगला चौराहा, आयकर गोलंबर और कोतवाली के आसपास भी यातायात में बदलाव है। वहीं नेहरू पथ से पटना जंक्शन पुरानी न्यू बाईपास जाने वाले वाहनों को डाक बंगला नहीं जाने दिया जाएगा। इसकी जानकारी ट्रैफिक डीएसपी 2 अनिल कुमार ने दी है।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण की। यही वो जिला है जहां से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था। इस जिले में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिसमें बौद्ध स्तूप, गांधी संग्रहालय, जॉर्ज ऑरवेल स्मारक, अशोक स्तंभ लौरिया, अरेराज मंदिर और चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पार्क शामिल है। यदि आप इस जिले में जाते हैं तो इन जगहों पर पर्यटन के लिए जा सकते हैं। एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान बिहार में ईओयू ने विधायकों की खरीद फरोख्त के सबूत जुटाए हैं। इस मामले में अवैध धन के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और नेपाल में बैठे लोगों के माध्यम से सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। ये जाँच जदयू विधायक सुधांशु शेखर की शिकायत पर शुरू हुई थी। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की कि विधायकों को एडवांस में पैसे देने के सबूत भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि यदि एनडीए सरकार विश्वास मत हार जाती तो विधायकों को हवाला के जरिए पैसे भेजे जाते। इस मामले में गहन जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए ईडी भी शामिल हो सकती है। भारतीय रेलवे को देश में सफर का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कहा जाता है। ये हमें देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर करवाती है। हर दिन लगभग 2.5 करोड़ यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं। रेलवे रोजाना 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चलाता है, लेकिन यात्रा को लेकर कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसे यात्रियों को ध्यान में रखना जरूरी है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, इसी में से एक है ट्रेन के इंजन से सफर करने को लेकर नियम। यदि कोई यात्री बिना अनुमति इंजन में सफर करने की कोशिश करता है तो उसे 3 महीने की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर 440 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान टीटी यात्री को अगले स्टेशन पर उतारने या जनरल कोच में भेजने का अधिकार भी रखते हैं, इसलिए यात्रियों को नियमों का पालन करना जरूरी है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक तिहाई सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे उत्पादित बिजली ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। बिजली कंपनी अधिकारियों के अनुसार सभी प्रखंड विकास कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। अब तक 2,593 सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाकर 22 मेगावाट बिजली उत्पादित की गई है। मिशन के दूसरे चरण में 13,253 नए भवनों को चिन्हित किया गया है, जिनसे 103 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। इसके अलावा आवासीय भवनों पर भी सोलर पावर प्लेट लगाने की योजना चल रही है, जिसमें अनुदान के माध्यम से उपभोक्ताओं को सहायता दी जा रही है। इसमें 1 किलोवाट के तहत 30,000, 2 किलोवाट के तहत 60,000 और 3 किलोवाट के तहत 78,000 अनुदान दिए जाएंगे। ये कार्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किया जा रहा है। जब कोई अपना बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या निवेश के लिए खाता खोलता है तो उस दौरान नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन भी आता है। अगर आप नॉमिनी नहीं जानते तो आपको बता दें कि नॉमिनी एक प्रकार का वारिस होता है, जिसका अधिकार आपके बाद आपके धन पर होता है। यदि आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो आपके खाते का पैसा नॉमिनी को दिया जाता है। हालांकि नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि नॉमिनी नहीं है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो पैसे कानूनी उत्तराधिकारी को सौंपे जाते हैं। शादीशुदा होने पर पत्नी, बच्चे और माता पिता उत्तराधिकारी होते हैं, जबकि अविवाहित व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन उत्तराधिकारी होते हैं। क्लेम करने के लिए मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, KYC और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। हालांकि नॉमिनी जोड़ने से विवादों से बचा जा सकता है और प्रक्रिया सरल होती है। बिहार में बारिश को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिण मध्य बिहार, जिसमें पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद और दक्षिण पूर्व बिहार, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर व खगड़िया में किया दो जगहों पर छिटपुट वर्षा के अनुमान है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री देखने को मिल सकते हैं, वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। नवादा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां रजौली थाना क्षेत्र के मोहकामा गांव में डीएसपी गुलशन कुमार के नेतृत्व में चोरी की गाड़ियों का बड़ा जखीरा और देसी शराब बरामद किया गया।
पुलिस ने 11 चोरी की मोटरसाइकिल और 200 लीटर महुआ शराब के साथ दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। ये लोग चोरी की बाइक का उपयोग शराब धंधे के लिए कर रहे थे। गुलशन कुमार ने बताया कि शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। मोहकामा गांव में चोरी की बाइक की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई, जिसमें 9 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। साथ ही 2 अन्य मोटरसाइकिलों पर शराब लाद कर आ रहे धंधेबाजों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और सुधीर कुमार के रूप में हुई है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। बीते दिन जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। अब इस मामले पर 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अदालत के इस फैसले पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम न्यायालय में अपना पक्ष रखते हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, जैसा कि आज मिला है। इस मामले में कोई दम नहीं और हम लड़ेंगे और हमारी जीत पक्की है। वहीं जदयू प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि उस समय लालू प्रसाद यादव केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और जेल भी जाना पड़ा था। उस समय भी जनता दल के नेता यही कहते थे कि लालू प्रसाद यादव को जबरन फंसाया जा रहा है, न सरकार फंसाती है ना ही एजेंसियां फंसाती है, तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट कार्रवाई करता है। अभी हाल में तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी आवास खाली किया है और उसे सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। अब तेजस्वी के सरकारी आवास खाली करने के बाद बीजेपी ने सरकारी आवास से सोफा, एसी, टोटी व कई अन्य सामान चोरी करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के इस आरोप से प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि इस आवास में सम्राट चौधरी का विजयदशमी में गृह प्रवेश होने वाला था। बीजेपी के आरोप के मुताबिक जैसे ही सम्राट चौधरी की टीम बंगले में पहुंची तो वहां कई गमले, एसी, सोफा, वॉशिंग बेसिन और टोटी जैसे कई चीजें उखड़ी मिली थी। इस मामले पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संपत्ति को लेकर जाना किस तरह का राजनीतिक संस्कार है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को लेकर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें एनडीए को 220 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश चाहे बीजेपी के साथ हो या राजद के साथ, जदयू को 2025 में 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए बोझ बन गए हैं और अगर बीजेपी ने हिम्मत दिखाई तो परिणाम 2020 की तरह ही बुरा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की जनता अगले चुनाव में एनडीए को सबक सिखाएगी। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के अगले सीजन में खेलने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने रिटेंशन पर चर्चा करने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार सीएसके और धोनी के बीच अक्टूबर में बैठक होगी। आईपीएल के शीर्ष परिषद ने पुराने नियम को फिर से लागू किया है, जिससे धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटर्न किया जा सकता है। इससे सीएसके को अन्य खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदने के लिए फंड भी मिलेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का मानना है कि धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा रिटर्न होंगे। वहीं आकाश चोपड़ा का कहना है कि सीएसके 3 या 4 खिलाड़ियों को रिटर्न कर सकती है और धोनी के साथ अन्य खिलाड़ियों पर भी विचार किया जाएगा। आपके मुताबिक बढ़ती उम्र को देखकर धोनी को अगला आईपीएल मैच खेलना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1919 में महात्मा गांधी की यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1932 में रॉयल इंडिया एयरफोर्स अस्तित्व में आया था। आज के दिन वर्ष 1936 में हिंदी और उर्दू साहित्य के उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1979 में जयप्रकाश नारायण दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज के दिन वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन किया गया था। आज के दिन वर्ष 1998 में भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। आज के दिन वर्ष 2004 में भारतीय गेहूं पर मॉनसेंटो का पेटेंट रद्द हुआ था। आज के दिन वर्ष 1998 में दिव्या काकरन का जन्म हुआ था। ये भारतीय फ्री स्टाइल महिला पहलवान है।
अब देश भर में अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की किताबें उपलब्ध होंगी। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से NCERT ने अमेजोन के साथ साझेदारी की है, जिससे विद्यार्थियों को किताबें सही मूल्य पर मिल सकेंगी। अमेजोन पर पहले जो किताबें MRP से अधिक दाम पर बिकती थी, अब वे उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी। इससे पायरेटेड किताबों की बिक्री पर भी रोक लगेगी, क्योंकि किताबें सीधे NCERT से अमेजोन को प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्पित वितरक नियुक्त किए गए हैं, जिससे किताबों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होगी। अब विद्यार्थियों को उचित कीमत पर और गुणवत्ता की किताबें मिलेंगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि जो किताबें 65 रुपए की हैं, उसे ऑनलाइन 200 से 300 रुपए में भी बेचा जाता था, लेकिन अब किताबों का दाम MRP के मुताबिक ही रहेगा। सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल ज्ञान मंदिर ऑफिशियल्स द्वारा थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को केंद्र सरकार फ्री वॉशिंग मशीन योजना के तहत वॉशिंग मशीन दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे, साथ ही ऐसे खबरों को शेयर करने से बचे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत सरकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर किस कोरियोग्राफर को नेशनल फिल्म अवार्ड देने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन ए है बॉस्को सीजर, ऑप्शन बी है शेख जानी बासा, ऑप्शन सी है रेमो डिसूजा, ऑप्शन डी है श्रीधर। इसका सही उत्तर है शेख जानी बासा। मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मोहम्मद मुइसू, ऑप्शन बी अब्दुल्ला साहिद, ऑप्शन सी है इब्राहिम आमिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद मुइसू। किस एयरलाइन में विस्तारा एयरलाइन का विलय हो रहा है? ऑप्शन ए है जेट एयरवेज, ऑप्शन बी है इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी है स्पाइस जेट, ऑप्शन डी है विस्तारा। इसका सही उत्तर है जेट एयरवेज। बाहर सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में कहाँ के उत्पाद ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भभुआ, ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही उत्तर है भभुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मुन्ना प्रसाद, राजीव कुमार, गुप्ता, नाज, गोनर शर्मा, सपना कुमारी, अनिल यादव, नकुल राम, ओमकार सिंह, भरत प्रसाद, कुसुम देवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोतीलाल कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, प्रमोद यादव, संजीव कुमार, खुशबू, परशुराम सिंह, सुरेश यादव, अंशु कुमारी, नुनू गोलू कुमार, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑफलाइन बैंकिंग किसकी सुविधा आपको सबसे आसान लगती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।